आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इन दिस क्वेश्चन फॉर द डाटा 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10 and 5, if mean is 7, then the mode is, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फॉर द डाटा हमारे पास डाटा की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, दैट इज 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10 and 5. अगर इनका मीन हमें क्या दिया हुआ है, 7, तो देखो मीन क्या होता है, मीन होता है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास मीन कितना दिया हुआ है, 7, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो भी ये ऑब्जर्वेशन है इन सबका सम करो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 वैल्यू, और डिवाइडेड बाय आवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 7, तो देखो यहाँ से अब वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये 7 इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 49, सो 49 वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 प्लस 9 वैल्यू कितनी हो गई, 11, 11 प्लस 7 वैल्यू हो गई दैट इज 17, 17 प्लस 3 वैल्यू हो गई दैट इज 17 प्लस 3 वैल्यू हो गई दैट इज 20, 20 प्लस 5 वैल्यू होगी 25, 25 प्लस 10 वैल्यू इज इक्वल टू 35 एंड 35 प्लस 10 वैल्यू कितनी हो गई 40, तो ये गया 40 प्लस यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है x और यहाँ पे वैल्यू है 2x, तो x प्लस 2x मिलकर कितना बना देंगे 3x, अब देखो प्लस का 40 उस साइड जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज 49 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 49 में से 40 का तो वैल्यू 9 आएगी, 9 डिवाइडेड बाय 3, अब ये 3 डिवाइड करते हैं इस 9 को इन 3 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, सो विद द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, अब वैल्यू x की वैल्यू आ गई, तो देखो यहाँ से हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं, हमारे डाटा क्या क्या थे, तो हमारे पास जो डाटा थे अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2, 9, अब x की वैल्यू जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज 6 प्लस 3 9, ओके, अब इसके बाद वैल्यू क्या हो गई, 9 के बाद वैल्यू हो गई, अब इसमें 3 पुट करेंगे तो वैल्यू जाएगी 2, 3 जा 6 एंड 6 प्लस 3 वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9, अब 9 के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, 5, 10, 5, तो इसको लिख लेते हैं वैल्यू दैट इज 5, 10, 5, तो जाएगा वैल्यू 5, 10 और 5, तो मोड का मतलब होता है कि वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे जो 5 है ये 2 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे जो 9 है ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स मोड क्या हो गया इसका, मोड हो गया दैट इज 9, ओके, सो मोड इक्वल्स टू 9 इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।